तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं दुनिया के पांच सबसे बेस्ट DSLR कैमरा के बारे में, जो कि आप लोगों को 30,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए के बजट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी 30,000 या 80,000 रुपए के बीच में कोई एक स्मार्ट DSLR कैमरा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर का कैमरा आता है निकोन D7500। दोस्तों ये निकोन का सबसे बेस्ट और शानदार कैमरा होने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को 20.9 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, बल्कि इसके साथ आप लोग को नाइट विजन भी देखने को मिल जाएगा इस कैमरे के अंदर। और यह कैमरा आप लोग को 5x का ऑप्टिकल जूम भी देता है, जिससे कि आप लोगों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफी अच्छी हो जाती है। बाकी इसको आप लोग ब्लूटूथ वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हैं किसी अन्य डिवाइस के साथ। इसके अंदर आप लोगों को 3.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा दोस्तों इसके साथ आप लोगों को 18-140mm का लेंस देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोग लास्ट में बात करें प्राइस की, तो यह निकोन का DSLR कैमरा आप लोगों को 80,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर। बाकी दोस्तों अब हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर का कैमरा आता है कैनन EOS 200D सेकंड। दोस्तों ये कैनन का सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा बिकने वाला कैमरा है, जो कि DSLR कैटेगरी का होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है ऑटो फोकस के साथ। इसके अलावा आप लोग इसको वाईफाई या HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं किसी अलग डिवाइस के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को पूरे 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों को वीडियो बनाने के दौरान काफी ज्यादा हेल्प कर देगी। या दोस्तों आप लोगों को APS-C सेंसर के साथ देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और काफी ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। बाकी इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर 18-55mm का लेंस देखने को मिल जाता है, और यह कैनन का DSLR कैमरा आप लोगों को काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल जाता है। इसके द्वारा आप लोग 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अपने YouTube व्लॉगिंग या फिर किसी तरह की अपनी Instagram रील तक को भी इसके द्वारा शूट कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के साथ। बाकी इसके लास्ट में बात करें प्राइस की, तो यह आप लोग को 56,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का कैमरा आता है सोनी Alpha ZV। दोस्तों ये सोनी का सबसे बेस्ट और सबसे शानदार DSLR कैमरा होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को 24 मेगापिक्सल का मिररलेस कैमरा लेंस देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ये व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट कैमरा होने वाला है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर ऑटो फोकस देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लोग क्लियर ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की वीडियो काफी अच्छी बन जाएगी। बाकी इसके अलावा आप लोग इसके अंदर 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने DSLR कैमरे की मदद से। या दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और बात करें लास्ट प्राइस की, तो यह आप लोग को 52,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर। और आप लोगों को अगर एक व्लॉगिंग के लिए कैमरा चाहिए, तो यह सोनी का अल्फा कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का कैमरा आता है Panasonic Lumix G7। दोस्तों यह Panasonic Lumix सबसे बेस्ट कैमरा की लिस्ट में आता है, जिसके अंदर आप लोग को कॉम्पैक्ट और मिररलेस कैमरा लेंस देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों एक मिररलेस कैमरा होगा, जो कि आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। इसके द्वारा आप लोगों को इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। इसको आप लोग वाईफाई HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं किसी अलग डिवाइस के अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को 3x का ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों की वीडियो को काफी ज्यादा अच्छा कर देगा। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर पूरे 3 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप लोग 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 14-42mm लेंस देखने को मिल जाता है, और ऑल ओवर बात करें तो आप लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लेंस होने वाला है। और इसकी मदद से आप लोग अपनी YouTube वीडियो, Instagram रील या व्लॉगिंग वीडियो को शूट कर सकते हैं अच्छी खासी क्वालिटी के साथ। बाकी लास्ट में प्राइस की बात करें, तो आप लोगों को Amazon के ऊपर 42,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों माय लिस्ट में पांचवें नंबर का जो आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है, उसकी प्राइस आप लोगों को 30,000 रुपए के अंडर ही देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छी खासी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। इस कैमरे का नाम है दोस्तों कैनन EOS 3000D, जो कि आप लोगों को काफी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को पूरे 18mm का SLR कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी के अंदर एक्सपीरियंस देने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को अदर से इसके अंदर 18-55mm का लेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर काफी अच्छी खासी क्लैरिटी ला देगा। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर 16GB कार्ड देखने को मिल जाता है इसके साथ, और इसको दोस्तों आप लोग वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 2.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, APS-C सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों की फोटो को काफी अच्छी बना देता है। और इसके अलावा बात करें इसकी लास्ट में प्राइस की, तो यह DSLR कैमरा आप लोगों को Amazon के ऊपर 29,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इन सभी जो कैमरों की लिंक है दोस्तों हमारे डिस्कशन बॉक्स में पहले से दी हुई है। अगर आप लोगों को कोई सा भी लेंस कैमरा लेना है, तो आप लोग नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। बाकी दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने कौन सा कैमरा चूज किया है।